अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं? स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्शन ऑफ एंगल, यानी हमने जो है वो सेक्सागेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम से सेक्सागेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्शन करना सीख लिए। आज हमारा टॉपिक है कि हमारे पास एंगल फाइंड करना है कि एक क्लॉक, कोई भी क्लॉक हो जो है वो हमारे पास हैंड्स यानी नीडल्स वाला होता है, उसके हमने टाइम देखते हुए जो उसके हैंड्स हैं उनके बिटवीन हमने एंगल फाइंड करना है। तो किस तरह से हम एंगल फाइंड करेंगे कि कौन से आर पे कितना टाइम हुआ है और इन दोनों जो है वो हैंड के बिटवीन जो एक हैंड और के लिए और एक मिनट के लिए सेकेंड वाली जो होती है वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए उसको कैलकुलेट करना जो है वो मुश्किल होता है। हम क्या करेंगे, मिनट और घंटों वाली जो हैंड हैं उनके बिटवीन क्या करेंगे, एंगल को फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे हमने जो है वो क्या करना है, क्लॉक के हैंड्स के बिटवीन एंगल फाइंड करना है। तो आइए, अब हमारे पास इसके लिए क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज 9.1 का। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट या हैंड्स ऑफ वॉच, एक ही बात है, क्लॉक लिख लें या वॉच, एट 4 o'clock के जब क्लॉक पे या फिर जब वो घड़ी पे 4 बजेंगे तो फिर हमने बताना है कि उसके हैंड्स के बिटवीन एंगल क्या होगा। अब आइए देखिए, जो हमारी सर्कुलेशन होती है क्लॉक की फ्रेम, तो किसी का सर्कुलर टाइप होता है, किसी का रेक्टेंगुलर टाइप होता है, किसी का ट्राइंगुलर टाइप भी होता है, लेकिन हमने जो उसको नोट करना होता है वो उसकी है उसकी सर्कुलेशन। तो जो एंगल में जो उसके हैंड्स होती हैं यानी उनकी जो सुइयाँ होती हैं उसकी जो सर्कुलेशन होती है वो होती है, या उसकी जो रोटेशन होती है वो क्या होती है, सर्कुलर होती है। और ये सेंटर पे उसका फिक्स पॉइंट होता है जिसके जो है वो उसकी नीडल्स या उसके जो हैंड्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल देखिएगा, ये इधर और यहाँ पे ये इसके क्वार्टर बन गए। फर्स्ट वाले पे यहाँ पे देखें तो 12 बज जाते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या होता है, 9 बज जाते हैं। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और इधर आ गया 7, इधर आ जाएगा 8, ये 9 और इधर 10 और इधर आ जाएगा 11। अब इसके हैंड जो हमने 4 o'clock बनाना है, 4 o'clock के मुताबिक हम क्या करेंगे, जो और वाली वॉच है ये है वो इसका हैंड वो इस तरह से जो है वो क्या होता है, लेंथ में वो कम होता है और जो उसकी विड्थ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो मिनट वाला हैंड होता है उसकी जो विड्थ होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन लेंथ जो है वो क्या होती है, वो इससे ज़्यादा होती है। यानी अब 4 o'clock यानी 4 बज रहे हैं, तो ये हमने बताना है कि इन दोनों जो इसके हैंड्स हैं इन दोनों हैंड्स के बिटवीन एंगल कितना होगा। अभी हमने वो वाला कैलकुलेट करना है, तो उसके सोल्यूशन के लिए देखिए अब हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा। अभी हमने देखना है ये फुल जो हमारा क्लॉक है, क्लॉक सर्कुलर टाइप है और सर्कुल यानी फुल सर्कल है, तो सर्कुलर मेजर में हमने फाइंड करना है, सर्कुलर मेजर मीन जो है वो क्या करना है, हमने रेडियन में इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, फुल क्लॉक का जो है वो एंगल बताते हैं, तो क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ फुल क्लॉक या वॉच वो हमारे पास कितना होता है, 2 by radian। जो क्लॉक होता है उस पर टोटल आवर्स वो मैंने मेंशन कर दिए हैं वो कितने होते हैं, 12, तो क्या आ जाएगा, टोटल
आवर्स एट क्लॉक, क्लॉक पे जो टोटल आवर्स होते हैं वो होते हैं 12, तो क्या आ जाएगा 12 आवर्स। हमने जो एंगल फाइंड करना है वो है हमारे 4 o'clock यानी 4 बजे, यानी टोटल जो वो 12 है, 12 में से 4 भी हमने क्या कर देना है, एंगल बताना है। तो अब हम क्या कहेंगे, द एंगल ऑफ क्लॉक एट 4 o'clock कि जब 4 बजेंगे तो फिर एंगल कितना होगा। तो अब स्टूडेंट देखिए टोटल आवर जो है वो कितने हैं इस पे 12 में से हमने क्या करना है 4 पे कैलकुलेट करना है, तो क्या कर देंगे हम 4/12 कर देंगे, यानी 12 में से 4 है और टोटल एंगल से उसको मल्टीप्लाई कर देना है और वो हमारे पास कितना है 2π रेडियन। तो अब हम इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो ये हमारे पास जब वो क्या होगा एंगल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 r 2, या इसको वैसे रहने देते हैं 4 1 r 4 4 3 12, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहां बन रह गया 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2π ओवर में क्या आ जाएगा 3 रेडियन। हमने सर्कुलर मेजर में एंगल बताना है तो क्या कर दोगे हम इस पे 3 लगा दे, ये जो है वो ओवर में रहने देंगे और पाई की फॉर्म में रहने देंगे और क्योंकि वो रेडियन में लेना है तो हमें जो है वो पॉइंट में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ एंगल जो है वो क्या हुआ सर्कुलर मेजर में आ गया। ये कितने पे था 4 o'clock पे। अगर 5 o'clock पे आता है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 5 लगा देंगे, अगर 8 o'clock आता है तो 8 लगा देंगे, अगर 3 o'clock आता है तो फिर 3 लगा के उसके मुताबिक हम इसको सिंपलीफाई करके यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास वो मेथड है कि जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं एंगल फाइंड कर सकते हैं कि हैंड्स ऑफ वॉच या हैंड्स ऑफ क्लॉक के बिटवीन जो है वो एंगल कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये स्टूडेंट्स तो उम्मीद करता हूँ जब आप भी इस तरह के जो है वो क्लॉक में से किसी भी आवर के लिए या किसी भी टाइम के लिए आप जो है वो क्या कर सकते हैं एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल कैलकुलेट करने का ये हमारा मेथड है। ओके स्टूडेंट्स यहीं तक आज के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके अल्लाह।